नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पीरियड में क्या दीपावली के दिन कोई मिठाई, कोई भोग प्रसाद, कोई भोजन बना सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, दीपावली का त्यौहार साल में एक ही बार आता है और हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। जब ऐसे में जब महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है तो उनका पूजन करने का मन में ही रह जाता है, पूजा करने का मन भी मन में ही रह जाता है। और जो आपने कुछ बनाकर मिठाई वगैरह, भोजन वगैरह, कोई प्रसाद बनाना हो, अपने हाथों से मैया को अर्पित करना हो, वो भी उनकी सोच में ही रह जाता है। अगर आप फिर भी चाहती हैं, वैसे तो आजकल के समय में मार्केट से मिठाई सभी चीज़ मिल जाती है, घर में कोई चीज़ नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ती। परंतु अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मैं अपने हाथों से मैया को कोई ना कुछ ना कुछ मीठा बना कर अर्पित करूं, तो आप बना सकती हैं। क्यों, अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आपकी सास, जठानी, देवरानी कुछ ना कुछ मीठा मैया को अर्पित करने के लिए बना सकते हैं। अगर आप अपने पति के साथ बाहर रहती हैं तो आपके पति बना सकते हैं। अगर आपके पति नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से ला सकते हैं। अगर आप मार्केट से भी नहीं ला सकते और पति बाहर रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप, चाहे आपका मासिक धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा दिन है, तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और 2 घंटे के अंदर अंदर ये सभी चीज़ें पूजा के लिए, ये सभी भोग प्रसाद मिठाई वगैरह बना सकती हैं और मैया को अर्पित कर सकती हैं। आप इस तरह मैया को खुश करने के लिए जो भी चीज़ आप बनाना चाहती हैं आप बना सकती हैं। अगर आपका 4th दिन है या 5वां दिन है और आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो भी आप सभी चीज़ें बना सकती हैं। इस तरह आप मैया को प्रसन्न करने के लिए भोग प्रसाद बना सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।